शहर के अंदर एंट्री हो गई है भैया अब अपनी भाई के घर पे। स्वागत जो किया वो ओलो ने किया और अब हम ऊपर जा रहे हैं। 6:15 हो चुके हैं, अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई। तो आज डेट है 4 मार्च और 4 मार्च मेरी लाइफ में बड़ा खूबसूरत सा दिन है। बहुत सारी खूबसूरत सी यादें हैं 4 मार्च के साथ में। कभी मिल बैठेंगे तब बताएंगे वो। और मैं खा रहा हूँ पोहा, कैलाश भाई ने खुद ने पोहा बनाया। और ये वैशाली है और वो आदित्य है। से हेलो टू एवरीवन। से हेलो। ये कैलाश भाई हैं और मैं हूँ यहाँ पे कैलाश भाई के पास में। कैलाश भाई मेरे नवोदयन एल्यूमनीज हैं। तो नवोदयन एल्यूमनीज बोलने के बाद में बाकी से डिटेल देने की जरूरत नहीं रहती। और वैसे वो महाराष्ट्र से हैं और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लोकल घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ अच्छी सी चीजें हैं जो कैलाश भाई बोला कि देखनी चाहिए। तो हम देखते हैं, वहाँ जाते हैं और साइकिल से जा रहे हैं। कैलाश भाई भी साइकिल से जा रहे हैं अपने। तो 10-12 किलोमीटर जाएंगे, देखते रहना और वीडियो आखिरी तक देखना। वो अच्छी चीजें मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, मजा आएगा। तो भाई लोगों, मैंने अपनी धनो निकाल ली है, कैलाश भाई ने अपनी धनो निकाल ली है। देखो इनकी धनो, ये पीछे बच्चे को है इनका, एक बार वो आदित्य है, उसको स्कूल लेके आना, छोड़ के आना, इसी से करके आते हैं। जिस सिटी में ये टर्नआउट है, यहाँ पे साइकिलिंग का बहुत बड़ा हब है यार। भाई साहब ने आगे आगे कर लिया, कैलाश पवार जी ने, हम पीछे पीछे हो गए। अब वही तो है ना HOD हमारे आज। क्या खूब लगता है, बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसे रास्ते से आते आते रहते हैं, पर कैलाश भाई को ना ये रास्तों से प्यार हो गया है। वो बोले कि हम 14 किलोमीटर तक घूम के आते हैं। चलो भाई, माँ रेस्ट डे पे भी काम करवा लिया आज उन्होंने मेरे से। तो कैसा लग रहा है कैलाश भाई, थक तो नहीं गया? तेरी लूना बड़ी मस्त है यार, देखता रहता है ना इधर उधर, मेरी तरह। फिर तो मैं भी गाने गा के उतरता हूँ। लोग तो बाथरूम सिंगर होते हैं, मैं साइकिल सिंगर हूँ। जितनी मस्ती से आपको चलना है आराम से चलो, तेज ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक बाइक है, कितने की मिल जाती है इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे? 3,000 यूरो में, मतलब नई इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल आ जाती है यहाँ। अच्छी खासी जिसको मिल जी। और वैसे ऊपर तो 5-6 हज़ार का बजट रखो तो फिर टॉप क्वालिटी आ जाती है। अच्छा, ये व्यू पॉइंट है जो सामने ऊपर है। यहाँ पे एक लेक है चारों तरफ और ये रिजर्व एरिया है। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया उन्होंने हाइट पे। तो कैलाश भाई उस व्यू पॉइंट पे चढ़ रहे हैं और पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से कुछ छाया चित्र लेना चाहूँगा। हाँ, ये लव लेटर। ओ, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। और ऊपर चले, हवा चल रही है। अच्छा, इससे भी ऊपर है। वाओ, यहाँ से आप देख लीजिए और एक बार ऊपर जाएंगे, देख सकते हैं। डच में लिखा है सर, बकरी है सिर्फ। हाँ। तो भाई लोगों, हम आ गए हैं टॉप पे। ये टॉप है इसका वैसे तो। और यहाँ से हमारा व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। वैसे तो मैं पहला ट्रैवलर हूँ जिसको हाइट से डर लगता है। हाँ, और मैं फिर भी हाइट पे चढ़ गया हूँ आज आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। तो खूबसूरत नज़ारा है, पक्षियों के झुंड जा रहे हैं। देखना भाई कैसे बड़ा डर डर के उतर रहा है। मैं सोच रहा था मैं ही डरपोक हूँ, ये मेरे से भी बड़ा डरपोक है। दिखाओ क्या है, कैसे है अब ये? ये इस साइड से इधर बेल्जियम है। अच्छा, इस साइड से इधर नीदरलैंड है। ये हम अभी नीदरलैंड में खड़े हैं, अब मैं आ जाता हूँ, मैं बेल्जियम में आ गया। अच्छा, फिर हेलो, हम दोनों देशों नीदरलैंड में खड़े हैं, हॉलैंड में खड़े हैं और मैं बेल्जियम में खड़ा हूँ। कोई डर नहीं, गोली बारी का ठीक है। जो लाइन है ये बताती है कि यहां ये बॉर्डर है, ये लाइन, ये बॉर्डर है।
अब हम नीदर जा रहे हैं, ठीक है, अब हम नीदरलैंड में आ गए हैं। और ऐसे ही ना अब हम अगले 10 किलोमीटर तक ऐसे जाएंगे, कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें, ऐसा है जिग जैग 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 जैग। ये पुराना रेलवे स्टेशन था भाई लोगों, और ये देखो ये प्लेटफॉर्म है, ये अब तो इसको हेरिटेज बना दिया इन्होंने इस तरह का। ये साइकिलिस्ट घूमते रहते हैं यार यहाँ पे। दो देशों के बीच में रेलवे स्टेशन था, ठीक है, और कभी यहाँ पे बॉर्डर की फेंसिंग होती थी, इधर बेल्जियम है, इधर बेल्जियम है, इधर नीदरलैंड या हॉलैंड कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ तार लगे होते थे और आपस का प्यार ऐसा बड़ा कि अब यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, देखिए कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे भी दोस्तों के साथ में, हमारे भी पड़ोसियों के साथ ऐसे रिलेशन बन जाएं। इन्होंने बस अब उसको यादगार के रूप में बनाया हुआ है, तो मैं दिखा दूँ फोटो कुछ मेरे को जो दिख रहे हैं, जैसे ये है ऐसे तार लगे होते थे इस जगह पे, और अब ये इस जगह फूल लगे हुए हैं, ये जो वो था इस पे, ये ग्राउंड पे ये खड़े रहते थे। ये दिख रहा है, ये स्टेशन था बारले नुसाऊ, ऐसा स्टेशन होता था भाई ये इस जगह पे। तो ये देखो धरती के ऊपर लिखा हुआ इन्होंने, ये बॉर्डर है। तो भाई साहब आधा बेल्जियम में है आधे नीदरलैंड में है, अरे गया बेल्जियम में। तो इधर आप जाओगे तो नीदरलैंड में एंटर कर जाओगे जिस साइड से हम आए हैं, और इधर आएंगे तो बेल्जियम में जाएंगे। अब ये जो मैं चीज़ दिखाने चाह रहा हूँ आपको, ये है यहाँ की खूबसूरती, ये जो पार्क है आधा नीदरलैंड में है आधा बेल्जियम में है। और इस पार्क में एक सबसे अच्छी चीज़ है, देखो कि हिरन है इन्होंने रखी हुई है, पाल रखी है, तो बहुत खूबसूरत सी लग रही है। मैं एक फ़ोन से वीडियो बना के फिर दिखाता हूँ आपको, इससे तो दिख नहीं रही मेरे, ये देखो मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, फ़ोन में देखो आप, तो ये आधी नीदरलैंड में बैठी है आधी डेनमार्क उसमें बेल्जियम में बैठी है। सामने खूबसूरत सी चर्च है और ये सिटी सेंटर है भाई। ये जो चर्च है ये बेल्जियम की है भाई, इस फ्लैग देखो, ये फ्लैग जो लगा हुआ है बेल्जियम का लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आधा घर जो है वो बेल्जियम में है आधा नीदरलैंड में है। हम लोग यहाँ पर है अभी, हम हैं ये ब्लू बोले तो बेल्जियम, जितना भी ब्लू है हर्टोग, बर्ले हर्टोग यानी कि हाँ, क्या नाम है इन दोनों शहरों का नीदरलैंड वाली साइड में क्या बोला जाता है? नीदरलैंड में आता है उसको हर्टोग बोलते हैं, और जो बेल्जियम में आता है उसको नसाउ बोलते हैं। okay. बार्ले नसाउ यानी बेल्जियम में। तो अभी ये जो जितना हाइलाइटेड है वो सारा बार्ले हर्टोग है। दोस्तों ये मैप देखो, इस मैप में जो ये सिर्फ एक जो स्क्वायर की जगह है ना, ये सिर्फ बेल्जियम है और चारों तरफ नीदरलैंड है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है, इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अब जिसमें ये जो हाइलाइटेड है ये सारा बेल्जियम है और दूसरा सारा नीदरलैंड है। तो किसी कोई घर नीदरलैंड का है, कोई बेल्जियम का है, कोई नीदरलैंड का है, कोई बेल्जियम का है, ऐसा है ये सारा सिस्टम। और ये स्क्रीन लगा रखी है, इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि कौन सा घर किसका है कौन सा घर किसका है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको एनक्लेव बोला जाता है भाई। जैसे अभी पीछे हमारे मोदी जी ने कुछ किया था कि कुछ गाँव हमारे जो थे वो बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश के कुछ गाँव हमारे में थे, वो जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व आउट किया गया था पिछले 2-3 साल पहले। तो ऐसा ही वो समस्या थी, वो गांव के गांव थे, यहाँ तो घर के घर हैं, तो थोड़ा सा फर्क है बस। जैसे यहाँ पे इश्यू आएगा टैक्स कौन से कंट्री में भरना है, अभी ऐसा है आधा घर तो बेल्जियम में और आधा नीदरलैंड में, तो वो ओनर घर टैक्स कहाँ भरेगा? तो फिर क्या करते हैं वो? इसके लिए है कि डोर जिस कंट्री में ओपन हो रहा है, अच्छा, वो उधर का वहाँ का रेसिडेंट हो गया। जैसा घर पूरा आपका बेल्जियम में, लेकिन डोर आपका ओपन हो रहा है नीदरलैंड में, अच्छा, तो आपको नीदरलैंड में टैक्स। और मेरे जैसा जो जिसने दोनों देशों में कर लिया उसका क्या होगा? वो फ्री में खाएगा। अरे वाह ट्रक देखो कितना प्यारा आ गया। वो जगह जो मुझे दिखानी थी आप लोगों को, आधा जो है रेस्टोरेंट बेल्जियम में है और आधा नीदरलैंड में इस साइड में, तो इसमें डिफरेंस है दोनों में।
विश्व में यही एक ऐसा रेस्टोरेंट है और एक यही एक ऐसी जगह है जो कि दो देशों की आइडेंटिटी रखता है। मतलब समझे आप कि इस रेस्टोरेंट के मालिक के पास में दोनों देशों की आइडेंटिटी है, बेल्जियम की भी है और नीदरलैंड की भी है। दोनों देशों का पासपोर्ट है उसके पास में, दोनों देशों में वो टैक्स पे करता है। तो भाई उधर लग ये जो चर्च है ये बेल्जियम में है हाँ। और हम जो खड़े हैं वो नीदरलैंड में खड़े हैं, और ये जो है ये बेल्जियम में है, ये रेस्टोरेंट बेल्जियम में है, ये नीदरलैंड में है। तो ऐसा यहाँ पे हर तीसरी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। ये रोड का ये हम दोनों अलग अलग देश में खड़े हैं। ओ साइकिल वाले तू धीरे चला ले। ये लिखा है पापिर, पापिर मींस पेपर, जो भी पेपर कार्डबोर्ड जो भी ये है उसमें डालना है। और ये जो पीएमडी लिखा है इसमें सब प्लास्टिक, दूध की जो बॉटल होती है, पानी की बॉटल जो भी है वो उसमें डाल दो। नीचे स्टोर है, ये नीचे स्टोर है, अंदर ये पूरा का पूरा म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी और लेके जाएगी, इसको खोलेगी और उठा के लेके जाएगी। तो आधे बाहर कोई कोड़ी कचरा नहीं, अभी वो देखो वहाँ किसी ने बाहर रखा है, अंदर नहीं डाला है, तो वैसे गलती से हो गया होगा जो भी होगा, नहीं तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कोई एक कागज का छोटा टुकड़ा दिख रहा है, ना कुछ नहीं। तो लोग भी थोड़े से अपनी ओर से भी रिस्पॉन्सिबल। मुझे ये जो प्रोजेक्ट लगा ये सिर्फ बड़ा अच्छा लगा कि ये सोलर पैनल लगे हुए हैं इसमें, तो इसमें डालने का चार्जेस इनके कंपनी की तरफ वो हाँ। और इसमें ये सब इसमें जाता है, रिसाइकलिंग में जाता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये तो था दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका यहाँ पे, कि लोग अपना कूड़ा, घर का कूड़ा कैसे कलेक्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ है। तो आज का वीडियो मैं भी यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।